कश्मीर मसले पर दुनिया भर में भद्द पिटने के बाद अब पाकिस्तान को अपनों का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। हार ये हो गया है कि कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा पाने में नाकाम। पाकिस्तान को अब अपने ही देश की नामचीन हस्तियां भी शर्मसार कर रही हैं। आईसीजे में पाकिस्तान की पैरवी करने वाले जाने माने वकील खावर कुरैशी ने अब कश्मीर पर अपने बयान से पाकिस्तान को झटका दिया है। पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल के साथ बातचीत में कुरैशी ने माना कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। कुरैशी ने चैनल से बातचीत में कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का केस कमजोर है। पाकिस्तान आईसीजे में कश्मीर में कथित नरसंहार का मसला यही उठाता है तो इसे साबित करना बेहद मुश्किल होगा। कुरैशी के मुताबिक आईसीजे के गठन के बाद से एक भी देश के खिलाफ नरसंहार का केस साबित नहीं हो पाया है। The more fundamental argument is the high threshold, evidential threshold that you have to establish to prove genocide. And that is extremely difficult, very difficult to prove genocide at the hands of a state. तो जो कहता रहे पाकिस्तान, जो कहते रहे इमरान खान, लेकिन कैसे उनकी नामचीन हस्तियां ही उनको पलीता लगा रही हैं और सच्चाई बता रही हैं पूरी दुनिया के सामने। वहीं पाकिस्तान के चैनल को एक इंटरव्यू में किस तरह से खावर कुरैशी बोल रहे हैं, जो कि वकील है आईसीजे में का पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का केस काफी कमजोर है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पाकिस्तान हर बार पस्त होता है, लेकिन इस बार पस्त उसी के ही नामचीन हस्तियां कर रहे हैं, जो वकील ही हैं आईसीजे में वही कह रहे हैं। अब किस मुंह से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को ये कहते हुए साबित करेंगे कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं है? और कितने उनके सबूत चाहिए और कितने उन्हें तर्क चाहिए? देखिए, जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने आईसीजे में अप्रोच करने से पहले ही उनके अपने ही वकील ने इस दावे की हवा निकाल दी है। आपको याद दिला दें कि ये खावर कुरैशी वही शख्स हैं, ये वही वकील हैं जिन्होंने कुलभूषण जाधव का केस भी आईसीजे में लड़ा था, हालांकि उसमें उनकी बहुत बुरी तरह हार हुई थी। लेकिन अब उसके बाद जब यूएनएससी में इस मामले को लेकर जाया गया, पाकिस्तान चीन के जरिए वहाँ भी उनको मुक्की खानी पड़ी। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने ये फैसला कर लिया है कि अब हम इस मामले को, कश्मीर मसले को, अब हम आईसीजे में लेके जाएंगे। लेकिन इस मामले को आईसीजे में ले जाने से पहले ही उनके वकील ये खुद बात मान रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, इसको साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि जिस कथित जिनोसाइड की वो बात कर रहे हैं, वो साबित करना कोर्ट में, उसके लिए प्रमाण देना वो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। ये उनके खुद के वकील कह रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का आईसीजे का रुख करना कितना कामयाब होगा या कितना एक मजबूत कदम है, उस पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पर कुलभूषण जाधव के बाद और यूएनएससी में हार के बाद अगर आईसीजे का रुख अगर पाकिस्तान करता है तो उसे वहां भी मुंह की ही खानी पड़ेगी। बिल्कुल। और शैलेंद्र, आप